बसती उसकी किस्मत है जो मेहनत से घबराता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी। मेहनत चांद सितारे जुगनू, मेहनत दीपक बाती, रस्ते की एक एक ठोकर हमको है ये समझाती। मंजिल जिसको पग पग ढूंढे वो किस्मत का विधाता है। धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, वही बुलंदी पाता है बुलंदी बुलंदी। मुश्ताक कोई भी कारीगर नहीं है। अरे वो दोस्त है मेरा। अगर जो तूने मुझे फिर से धोखा दिया तो याद रखना चंपी करवाऊंगा तुझसे। इंतजार का वक्त नहीं है बेटे, पूजा शुरू करो। बस यही कसर रह गई थी, कौन मरी है जो मेरी जगह आ रही है? किताबें। लेकिन इस बार पढ़ाई से भागने की कोशिश नहीं करना, ठीक है? मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि जब तक मुझसे हो सकेगा मैं बच्चों को सुनहरे भविष्य की राह पर ले जाऊंगा। इस इलाके का सबसे बड़ा गृह उद्योग है कालीन बुनना। ये मत समझना कि पढ़ाई खत्म हो गई, अब तो पढ़ाई शुरू हुई है। बेटे की आंखों में सुनहरे सपने हैं और बाप की आंखों में आंसू। चाचा, चाचा मेरा लोन पास हो गया। लोन पास हो गया? हाँ। अरे, अरे मुझे तो पहले से मालूम है, कैसी बात कर रहा है। अरे बुल्ला, मेरा लोन पास हो गया रे। अम्मी और अब्बू भी अजीब जिद पकड़ के बैठे। अल्लाह ने कितना अच्छा सबब दिया है उनकी मेहनत का, और एक वो है कि देखने भी नहीं आना चाहते। आप कोई कोशिश करी ना उन्हें यहाँ लाने का? इतनी तो कोशिश की है, पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए मगर वो नहीं। और फिर ये मुश्किल भी तो है। क्यों, क्या मुश्किल है? बड़े मियाँ को भेजो, उन्हें और वहीदाबाजी को ले आए यहाँ पे। ऐसा कोई दूर भी नहीं है, बेकार में अपने लिए खटते रहते हैं। और वहीदाबाजी को तो एक मिनट की छुट्टी नहीं है। हाँ तुम कहती तो ठीक हो, ये हमारा फर्ज भी बनता है, लेकिन इंसान अपनी जड़ से कैसे उखड़ सकता है? अपनी मिट्टी की एक अलग ही कशिश होती है। क्यों, आप और हम नहीं आ गए यहाँ पर? और फिर सब कुछ अच्छा ही तो हुआ है। हम आ तो गए हैं लेकिन हमारी जड़ें भी तो वही है ना, अबू और अम्मी के पास। वही हमारी ताकत है और वही हमारी बरकत भी है। आप कोशिश करना ही नहीं चाहते। हाँ लो, एक तोहमत और मेरे सिर पे लगा दो। किसी दिन चलेंगे, गाड़ी में जबरदस्ती बिठा देना। और वैसे भी तो जिद करना तुम्हें खूब आता है। जाओ, जैसे सारी जिद मान ली है मेरी। अच्छा मैं नहीं तो अब्बू तो मान लेंगे तुम्हारी जिद। अरे भाई किसको मनाने की बात हो रही है? अब्बू चाचा अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो जीते रहो बेटा। आप यहाँ कैसे? जीते रहो। लो समझा देना आपको, जैसे घर ही नहीं गया बस। नहीं नहीं चाचा जान, पहले आपका। हम तो जर्रे हैं। आप यहाँ कैसे? अरे बेटे आज सुबह उठा, बस अजान में कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी, पर मेरा मन किया कि मैं आज मुश्ताक से मिल के आऊं। आमीन। बस भागा भागा मेरे पास चला आया, हुक्म किया चलो शहर चलना है। आ गए भाई। अच्छा अम्मी और वहीदा भी आई हैं क्या? अरे मैंने तो कहा था चलने के लिए, कहने लगे बस वो कढ़ाई का काम बाकी है, अभी तुम हो जाओ मैं बाद में हो आऊंगी। न जाने क्यों करती हैं अभी इतना काम। अरे भाई तुम क्यों करती हो, काम करने से मन लगा रहता है, हुनर पर अपना भरोसा बना रहता है। वैसे ये बात सही है तुम्हारी कि भाभी आ जाती तो बहुत अच्छा। अरे भाई मैंने तो तुम्हारी अम्मी से कही थी, फिर मैंने सोचा भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तो अपने मुश्ताक से जरूर मिलके आऊंगा। चलिए सिलसिला शुरू तो हुआ। अरे भाई चलता ही रहेगा। आना अपनी मर्जी से होता है लेकिन जाना
हमारी मर्जी से होगा। भैया बेटी ने क्या बात कही है? तो भी बनाओ कुछ खीर वीर हमारे राम प्रसाद जी के लिए। जी अभी बनाती हूं। और बेटा काम अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अभी आप ही को याद कर रहे थे। अरे भाई अम्मी 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 कहाँ हो तुम? अम्मी देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्यों इतना हड़बड़ा रहा है रे? आराम से बैठ के बोल। अम्मी तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लाया हूँ, खोल के देखो। तू ही खोल, मैं काम कर रही हूँ। और कहाँ है की मिठाई? अरे अम्मी आज से तुम कमाऊ पूत की अम्मा हो गई हो। ले ये कौन सा नया बेटा पैदा हो गया मेरा? दुनिया का सबसे शानदार जवान कौन है? मेरा अजीज और अजहर। ये अजहर का नाम लेना जरूरी था। वैसे पहला नाम तुमने बिल्कुल सही पहचाना। क्या कमाल आया मेरा बांका जवान। 500 रुपए कमाया। अल्लाह का खौफ कर, क्यों झूठ बोल रहा है? अरे अम्मी आपकी कसम, रणबीर के पापा ने दिए मुझे। क्यों, उसने क्यों दिए और तूने लिए क्यों? अरे अम्मी उनकी एड एजेंसी है ना। हाँ इश्तिहार बनाते हैं वही ना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोर्ट पर इश्तिहार लिखकर लोग बाजार में खड़े कर दिए जाते हो। अच्छा नहीं कहती, तूने क्या किया? अटके हुए थे एक नमूने को लेकर, जैसे ही मैंने देखा मेरी पेंसिल खुद ब खुद चलने लगी। अम्मी उनको इतना पसंद आया कि फौरन 500 रुपए निकाले और मुझे दे दिए। मैं फौरन गया और मिठाई लेकर आ गया। बहुत अच्छी है, मजेदार है। अम्मी मेरू मेरू देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया? देख ना। हाय आपको कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? ले तूने तो उस दिन बाजार में बताया था मुझे। मुझे सब मालूम है तुझे क्या क्या पसंद है। सच मेरू मैं दिन भर तेरे बारे में सोचता रहता हूँ। आप दिन भर मेरे ही ख्यालों में रहते हैं या कुछ काम भी करते हैं? करता हूँ ना, पर मेरी आंखों में तू ही तू बसी रहती है। तब तो कल मुझे काठी पे आकर देखना पड़ेगा कि आपने कितना नुकसान कर रखा है, वरना कल को बिचौलिए आके टपका गलत गिनेंगे और बेकार में मेरा नाम बताएंगे। अरे हाँ हाँ आकर देख लेना, ये मुश्ताक रिजवी के हाथ हैं। मैं जो कालीन बनाता हूँ उसमें कोई माइका लाल आकर टपका गलत या दम फटा निकाल दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। और मेरा नाम रख लोगे? जाओ जाओ सारा ध्यान तो काम में रहता है। कहने के तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देख लिया तुम्हारा प्यार। पर मेरू मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ ना। मेरू मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे लिए कैसा कालीन बनाऊं जिस पर तू महारानी की तरह रहे और बैठी। पर सच मेरू तू हंसती है तो कितनी अच्छी लगती है। मेरू मैं इस गरीबी में तुझे और कोई सुख नहीं दे पाया, बस ये हंसी दे सकूं। मुझे क्या कमी है, कितना तो प्यार करते हो तुम सब मुझसे। मेरे पास प्यार की दौलत की भरमार है। मैं तो समझती हूँ मुझसे ज्यादा खुशनसीब और दौलतमंद शायद इस दुनिया में कोई हो। नहीं मेरू मैं चाहता हूँ दुनिया का हर सुख तुझे मिले, अपना एक बड़ा सा मकान हो जिसमें तू महारानी की तरह रहे, 10-15 नौकर तेरे आगे पीछे घूमते रहे, तेरे तेरे बदन पे गहने लदे हुए हो, तुम महारानी की तरह घूमती रहे अपना बड़े से बगीचे में, तेरी हर तमन्ना पूरी हो जाए। मिठाई तो बड़ी अच्छी है, मेरे लिए लाए थे और खुद खा गए। अरे अम्मी आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? तो फिर क्या रो? क्यों भाई ये माँ बेटे के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? अजीज मेरी मनपसंद मिठाई लेकर आया है, ला बेटा दे। अम्मी ये तो खाली हो गई, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तेरे अब्बा ने भी ऐसे ही किया था। न जाने मेरे नाम की मिठाई क्यों लेकर आते हो तुम लोग। कोई इतना चाहते जो है इसलिए खुद खा जाते हो। कितना अच्छा होता अगर पूरा खानदान यहाँ होता तो। देखो जी मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी तरह अम्मी और अब्बू को यहाँ ले आओ। अजीज बेटा तू जाके उन्हें ले आना। और कहीं उन्होंने मुझे भी वहीं रख लिया तो? इतनी बातें तो बना लेता है तू, उन पर भी अपना जादू चला देना। हाँ ठीक है ठीक है।
चाचा लाल रंग कब पड़ा है? अरे बेटा मुस्ताकारा ले आएगा, तू बस काठी छोड़ के मत आया कर। अरे कलीम अफजल के घर भी कोई लड़का भेजो, पता करो क्यों नहीं आया, चल जा काम पे लग। अरे वह कौन है? अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, अरे मुस्ताक मुस्ताक, कैसा है? मैं ठीक हूँ अब्बू। हाँ अब्बू, ये आपकी गाड़ी है? अरे मेरी गाड़ी है? अरे मेरी गाड़ी ये थोड़ी है, है? मेरी गाड़ी तो ये मेरी दो टांगे हैं, है? बस थोड़ी खड़खड़ा गई है लेकिन अभी भी चलती है। अब्बू कहा ना, ये आपकी गाड़ी है और ये आपके ड्राइवर है बड़े मियाँ। अरे वाह भाई वाह। अरे बड़े मियाँ सलाम। है? भाई मेरा ये सब कुछ है और मुझे पता ही नहीं। अबू वो ऑस्ट्रेलिया वाला ऑर्डर पास हो गया है, 6 काठी और लगवानी पड़ेगी, बस अब आप अम्मी और वहीदा शहर चलने की तैयारी कीजिए। अरे पागल हो गया तू है? अरे वो क्या नाम बता उस जगह का, चल जाने तो जो भी है, हम तो बस अब काम पे लग जाएंगे, कालीन बनाना है ना, हम यही रह के बनाएंगे। अबू वहाँ इतना बड़ा घर है आपका। अरे बेटा अब ये बूढ़ी काठी इन काठियों को छोड़कर कैसे जाएगी, और फिर मैं और तेरी अम्मी इस उम्र में इस मट्टी को कैसे छोड़ पाएंगे। देख बेटा, और फिर वहीदा भी अब जाने नहीं देगी, वो भी अम्मी के पास ही रहना चाहती है। लेकिन अब्बू। अरे लेकिन लेकिन छोड़, ये मियाँ हमें ले जाया करेंगे और छोड़ जाया करेंगे, हैं? और फिर देख तुम भी तो बच्चों के साथ यहाँ आया करो, राम प्रसाद भी तो यही है, वो मुझे यहाँ सिखाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों को खूब सिखाऊंगा। अब्बू अब्बू मेहरू ने खास ताकीद की है कि मैं आपको लेकर ही आऊँ। अरे बेटा मेहरू तो बहुत नेक और समझदार बच्ची है, उसे तुम समझाना कि अब्बू ने ऐसा कहा वो बिल्कुल समझ जाएगी। अब्बू आजकल भागदौड़ बहुत बढ़ गई है, ये बैंक वो बैंक, ये दफ्तर, रंग फैक्ट्री, ऊन फैक्ट्री, इस चक्कर में आना जाना बहुत कम हो रहा है और आप अकेले हैं यहाँ। अभी अकेला कहा हूँ मैं, है? 6-6 काठियां लग गई और फिर तेरी अम्मी जो है 2 आदमियों का काम कर लेती है, ये बताइयो नहीं उसे है। बेटा तुम तो अपना काम बढ़ाओ, बस यहाँ की फिक्र मत करो। अब्बू अजीज ने कहा है कि दादा मियाँ अंग्रेजी पढ़े, वो पढ़ने लगा है आजकल। अरे वाह भाई वाह, मेरा पोता अंग्रेजी सीखने लगा है। सुन उसे कहना कि दादा मियाँ उसी से अंग्रेजी सीखेंगे। लेकिन मुश्ताक कभी कभी तुम यहाँ आ जाया करो, बड़ा अच्छा लगता है, और वो कुछ हमारा खानदानी हुनर भी सीख लेंगे, कहीं ये हमारा हुनर गुम ना हो जाए। नहीं अब्बा बच्चे जरूर सीखेंगे, ये देखिए ना अजीज ने बनाया है अपने हाथों। वाह भाई वाह, क्या खूब बनाया है। लेकिन बेटा कई बार तेरी अम्मी ना बहुत उदास सी हो जाती है, बड़ा सूना सूना सा लगता है। अब्बा तो फिर चलिए ना हमारे साथ। अरे मैं भी क्या बात ले बैठा, पहले चल तेरी अम्मी को दिखाते हैं, वो ये देखेगी तो पागल सी हो जाएगी। चल आजा 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 बेटा, चल आजा। ऐसा क्या अलादीन का खजाना ढूंढ रहे हो ना तस्वीरों में? अरे बिल्कुल अलादीन का खजाना है, अरे देख देख के ना आंखें चौंधिया रही हैं। ना देखो ना आंखें खराब हो जाएंगी। अरे मैं तो देख देख के हैरान हो रहा हूँ, कितने साल दिमाग खराब रहा। मुझे पता ही नहीं चला, अस्पताल लेके चलूं क्या? अरे ज्योति मजाक नहीं, मजाक बिल्कुल नहीं। अरे इन किताबों को देख के पता चलता है कि लोग क्या क्या बेच देते हैं, हमारे मुल्क में तो सामान का अंबार पड़ा है। बेच रहे हो ना कालीन तुम? अरे नहीं अब उतने से ना मन नहीं भरता, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई और कुवैत होके आऊँ। तो जनाब का मन भर जाएगा क्या? क्यों नहीं, वहाँ का बाजार इंतजार कर रहा है कि मुझ जैसे सपने वाले आए और दुकान लगाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई बिजनेस के बारे में तो मैं इतना जानती नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ जब से तुम और मुश्ताक एक साथ काम करने लगे हो, सुख शांति की चारों तरफ बारिश हो रही है, वही करो ना। नहीं नहीं मैंने पक्का फैसला कर लिया है कि मैं कारपेट के साथ कुछ और भी करूँगा, जरूर करूँगा कुछ ना कुछ। अच्छा भाई जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुश्ताक को अपने साथ रखना। अरे मुश्ताक सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, है उसको भी साथ रखना? अरे वो साथ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अरे भाई जो मेरा फर्ज था मैंने कह दिया, अब जो करना है जैसा करना है वो तुम्हारे दायरे में। शुक्र है कुछ तो हमारे भी दायरे में है। आजकल तो तुम दोनों के बीच किसी तीसरे की जगह ही नहीं है। अरे है ना। किसकी? अरे तुम जो बैठी हो। देखो मैंने आज फैसला किया है कि मैं ऑफिस जाकर सबसे पहले सुनील को इस रिसर्च पर लगाऊंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Tea in glass is always first class. अच्छा कोई खास बात थी क्या? लेकिन पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलो। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, अजीज ने खेल खेल में कागज पर कालीन का नमूना बनाया, अब्बा ने उसे बुनवा दिया और उसका ऑर्डर भी आ गया बहुत बड़ा। वो भी क्या?
हाँ बिक तो गया लेकिन अब्बा ने बेचने नहीं दिया उसे, उसे एक चम्मच अब्बा ने उसे संभाल के रख दिया है, कहते हैं अजीज की जब दुल्हन आएगी तब उसे देंगे। सच यार तू देखना कालीन को लेके ना बहुत जोश में आ जाते हो। बोल तू तो जानता है कालीन मेरी जिंदगी है। यार अब तक तो मैंने भी इसे ओढ़ा था लेकिन अब मन चाहता है कि मैं कुछ और करूं। मैं अपने काम को बढ़ाना चाहता हूं। क्या मतलब? कल मैंने ज्योति से भी बात की थी, वो भी ऐसा ही चाहती है। यार तुम उसे तो जानते ही हो, वो अपने काम से काम रखती है, बस किसी बात पे जोर ही नहीं देती और चुपके चुपके लोगों की जिंदगी बदल डालती है। लेकिन एक बात बता, तू इतना परेशान क्यों है? मुश्ताक मैं अब सोचता हूं कि कालीन के साथ साथ हमें हैंडीक्राफ्ट की भी तिजारत करनी चाहिए। क्यों? अरे मुश्ताक तू नहीं जानता हमारे देश में क्या क्या बनता है। अरे बाहर के मुल्कों में खर्च करने के लिए रुपया है, शौक है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें क्या जरूरत है, हमारा सब ठीक ठाक तो चल रहा है। ओफो, कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या सभी एक ही काम में जुटे रहेंगे? हा? अरे पंख फैलाओ मुश्ताक, पंख फैलाओ, खाड़ी के मुल्क हमारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं फूल, मैं कालीन के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता। अरे तुम्हें बाहर जाने की इच्छा है या नहीं? बाहर आ तो गया हूँ, गांव पीछे छूट गया है। नहीं पुल, इससे ज्यादा नाता नहीं तोड़ सकता मैं। अरे नाता तोड़ने के लिए कौन कह रहा है? नहीं अब्बा, अम्मी, वहीदा ये लोग आएंगे नहीं, और बेस भी तो वही है काम का। देख मैं नहीं चाहता कि जब घर वालों को मेरी जरूरत हो तो मैं विदेश में घूम रहा हूँ। नहीं यार मन को जचता नहीं। तुम्हारा पक्का इरादा है? अरे बच्चों की तो सोच। क्या सोचूं, बच्चों को अच्छी तालीम दिला रहा हूं, घर में भी अच्छा माहौल है, आगे खुद वो अपनी राह बनाएंगे, उनका अपना नसीब, और सब कुछ मैं ही क्यों तय करूं? यार मुश्ताक देख बुरा मत मानना लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया है। कर लिया है तो जरूर करो। एक बात और बोलो। कहो। देखो मुश्ताक अपना हमें कालीन और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस जो है वो अलग अलग करना चाहिए। मतलब तू अलग होना चाहता है? अरे तौबा 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 तौबा, अरे तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अरे कालीन का धंधा पूरा तुम देखना, अरे तुम्हारा तो खून में हुनर है, तुम ही देखना उसको। और कभी ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। नहीं भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तुम्हें कभी भी मेरी या पैसों की जरूरत पड़े ना तो कभी भी बाहर बात करने मत जाना। यही बात तो मैं तेरे से भी कहना चाहता था, दूर जरूर रहना लेकिन देख दिल से दूर मत जाना कभी। यार देख स्कूल से आज तक हम कभी दूर हो पाए हैं भला? नहीं। अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी जाए तो तुम्हारी वो ज्योति ना मुझे पहले भगा देगी और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ फूल अजीज और अजहर आ जाए तो अच्छा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब्बा होता जा रहा हूँ। अरे दो बच्चों का बाप अब्बा नहीं है क्या? हैं? मैं नहीं, गांव वाले अब्बा, अकेले जूझते अब्बा। लेकिन यार कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। दूध मंगवा लूं या कोई फल? नहीं, जी नहीं करता। फूल भाई से मिल के आया, उनसे कोई बात हो गई क्या? नहीं, उससे क्या बात होने लगी? उखड़े उखड़े तो तभी से हो, क्या कह गए? अलग हो रहा है वो। हाय ज्योति दीदी से। हाय अल्लाह, वो क्यों? तुम भी जो हो ना एकदम कहां पहुंच जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है उनके बीच में, वहां सब ठीक है। बस यूं ही मुझे डराया मत करो। चलो फिर किसी वजह से डरा देता हूँ, वो मुझसे अलग हो रहा है। फिर झूठ बोल रहे हो ना? झूठ तो पहले भी नहीं बोल रहा था पर सच कह रहा हूँ, वो कह गया है उसका कालीन की तिजारत में मन नहीं लगता। हाय बैठे बैठे ऐसा क्यों? बैठना ही तो नहीं चाहता, उड़ना चाहता है दूर दूर तक, कई चीजों में उलझना चाहता है वो। दोस्ती तो नहीं तोड़ेंगे ना?
हम तो ज्योति दीदी को मिले बगैर रह नहीं पाएंगे। अब औरतों जैसी बातें ना करो तुम। अगर मर्द भी औरतों जैसी बातें करने लगे ना तो ये झमेला उठे ही नहीं। वैसे काहे की तिजारत करेंगे? ज्योति से मिलोगी तो वो समझा देगी तुम्हें। वैसे भी उसकी बात मेरे गले भी पूरी तरह से उतरी नहीं है। अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसे चलता रहे। बस अब तो अजीज और अजहर का इंतजार है, वो आकर मेरे काम में हाथ बटाए। अजीज तो अब कॉलेज जाने की बात कर रहा है। हाँ तो जाए ना, जितना इल्म हासिल करना चाहता है करे, आखिर में आकर उन दोनों को मेरे साथ ही तो काम करना है ना। बस अब उसी मुबारक दिन का इंतजार है मुझे। आमीन। अच्छा चलो कुछ खा लो, थोड़ा सा। तुम्हें भूखा सोते देख मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर आज सोते ही नहीं है? सब कुछ करोगे बस मेरी बात नहीं मानोगे। ज्योति दीदी को फोन करके कुछ दवा मंगा लूं? नहीं नहीं वहां फोन मत करना, कल देखेंगे। अच्छा नहीं करती। वैसे अच्छा नहीं किया फूल भाई ने। देखो अच्छा और बुरा इंसान के हाथ में नहीं होता, वक्त और खुदा करता है, ये सब उन्हीं पर छोड़ दो। अच्छा खाना जरूरी है क्या? पाए का शोरबा है, मंगवा लूं? तुम्हें मेरी कमजोरी का सबसे ज्यादा पता है। अच्छा मंगवा लो, कुछ और भी है? हाँ है ना, बुंदू मिया 20 अबरातन, जरा वो बावर्ची घर से ढकी ट्रे तो ले आना। सब तैयारी कर रखी थी। मेरू निशा बेगम तुम्हारा जवाब नहीं। बेगम बहुत हो गया आपका सजना सवरना, अब जरा हमें भी सजा दो। क्या मतलब? देख रही है ना? देखो ना भाई, हमेशा अच्छी शर्ट पहनते हैं। क्योंकि मैं हूँ ही इसके काबिल, ला मेरी शर्ट दो। अजीज अजहर ये क्या तमाशा लगा रखा है? 6 दिन पहले ही मैंने इस बात का फैसला कर दिया था ना, तो अब क्यों लड़ रहे हो? चलो दोनों ही अच्छी है, पहनो अपनी अपनी शर्ट। फूल भाई दुबई से ले आए थे। वो भी भाई के साथ पार्शियलिटी करते हैं। सारी दुनिया तुम्हारे साथ बुरा करती है साहबजादे। भाई को हमेशा फर्स्ट चॉइस मिलती है। क्योंकि मैं हूँ ही फर्स्ट। कोई फर्स्ट फर्स्ट नहीं, आज जो कुछ है तुम्हारे अब्बा। चलो अब 10 मिनट में तैयार हो, जल्दी चलो। चलो जल्दी करो। अरे हम तो चीफ गेस्ट के साथ जा रहे हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं। अब्बू अम्मी पहले पहुंच जाएंगे वहां पर, फिर बेकार में परेशान होंगे। वहां क्यों, यहां नहीं आ रहे हैं वो लोग? वो फोन आया था कि कोई मेहमान अचानक आ गई हैं, तो देर हो जानी थी इसलिए नहीं आ रहे। लेने कौन गया है? बड़े मियां गए हैं, 20 की रफ्तार से जाएंगे तो दादा दादी वक्त से कैसे पहुंच सकते हैं? चुप रहो, वो बहुत हिफाजत से गाड़ी चलाते हैं और उन्हें हिफाजत से लेकर आएंगे। चलो तुम लोग निकलो जल्दी। कौन आ गया होगा? होगा नहीं, होंगी। फिर तो देर से आएंगी, मोहतरमा बनेंगी सजेंगी। चुप कर, बड़ों के बारे में ऐसा बोलता है? आपको क्या पता बड़ी है या फिर छोटी और जवान है। देखो चुप कराओ, नहीं तो मारूंगी ने, मारू। अरे मारना है तो मारो ना, इजाजत क्यों लेती हो? अम्मा जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ज्योति फूफी नहीं आई? हाँ देखो ना, हर इनाम में तो साथ रहती हैं, बस आज इतना बड़ा इनाम है तो आई ही नहीं। बेगम ज्योति का एक अपना आदत शोहर भी है, ये क्यों भूल जाती हैं आप? लाहौल विलाकुवत, मैं क्यों भूलने लगी? तो फिर उनका मियाँ उनके लिए ज्यादा अहमियत रखता है ना कि आपका मियाँ, समझ रही हैं आप? अब फूल सिंह वहाँ है तो ज्योति भी वहाँ है, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उनका ना आना तो सूरज के ना निकलने के बराबर हुआ। हेलो। हाँ फूफी। हाँ एक मिनट दे रहा हूँ अब्बू। ज्योति फूफी। हेलो। हाँ ज्योति। अच्छा अच्छा शुक्रिया शुक्रिया, नहीं सब ठीक है। हाँ हाँ वहीदा भी ठीक है, हाँ बच्चे भी ठीक है। फूल सिंह, अच्छा उसे मेरा सलाम बोलना। हेलो हेलो ज्योति दीदी आ गए क्या? नहीं नहीं दुबई में है वो, उसने मुबारकबाद भेजी है हमें। मुझसे बात क्यों नहीं कराई? कट गया ना, शायद वापस करेगी। अच्छा अच्छा चलो अब बहुत देर हो जाएगी, रास्ते में बात कर लेंगे। मेरी अंगूठियां कहाँ है? चलो तो मैं ले आती हूँ ना, मैं अपना बुर्का भी लेकर आती हूँ। अच्छा, चलो बेटा। शबरातन चलो ये कपड़े और ग्लास वास उठाओ, हम निकल रहे हैं। कहां से कहां तक आ पहुंचा हूं मैं, काम करने की खुशी, धन दौलत की खुशी जो खुदा ने खुद मेरी झोली में डाली है, उस पर
उस पर सबसे पहला हक है मेरे अब्बा जान उस्ताद कासिम रिजवी का, मेरे गुरु श्री राम प्रसाद शर्मा जी का, जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई। ये सब उन्हीं की नियामत है। परिवार, जिन्हें मैं जब भी देखता हूं तो खुद अपने ऊपर हैरानी होती है। मेरी अम्मा के अपनी बेटियों के अलावा दो बेटियां और भी हैं। एक बिटिया जी तो इस दुनिया में रही नहीं, लेकिन दूसरी है जो किसी कारण से आज यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मंजिल दिखाई। उनका उनका शुक्रगुजार हूं मैं। कैसे कर्ज उतार पाऊंगा मैं ये? मैं कई तरह के इनाम जीत चुका हूं, पर मेरा सबसे बड़ा इनाम है मेरे गुरुजी का मेरे हाथ में कलम थमाना। गुरुजी अभी भी है मेरे पास। मैं चाहूंगा कि आज का ये इनाम मेरे अब्बा और मेरे गुरुजी ने। सब कुछ तो मेरे बेटे ने कह ही दिया है, लेकिन एक अहम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। आखिर मैंने अपने बेटे को सही वक्त पर तालीम दिलवाती होती तो उसे ये मुसीबतें ना चाहनी पड़ती जो उसने सही। हमारे आंगन में बहुत जल्दी खुशियां आ जाती। तालीम की कोई उम्र नहीं होती, ये मेरे बेटे मुश्ताक ने साबित कर दिया। हर इंसान का फर्ज है ये मेहनत से जीन चुराए, मेहनत कश अपने कदमों पर सूरज को भी झुकाए। आंधी और तूफान में भी जो ज्ञान का दीप जलाता है, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत, धर्म कर्म हो जिसका मेहनत वही बुलंदी पाता है।